हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का एडजोइंट किस तरह से लिया जाता है और एडजोइंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं और किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का एडजोइंट किस तरह से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन में आ जाए इसका फाइंड आउट करो, ऐसे लिखा आ जाए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है एडजोइंट, ए डी जे एडजोइंट ऑफ ए, एडजोइंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का एडजोइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, आइए इस मैट्रिक्स का एडजोइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजोइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको करना क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2×2। ठीक है दोस्तों, कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2×2 हो उसका एडजोइंट कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको करना क्या है, जो ये मैट्रिक्स है जिनकी लोकेशन A11 A22 है, इनके आपस में क्या जगह चेंज कर दो, जैसे 4 यहाँ पे लिख दो और 1 यहाँ पे लिख दो। ठीक है दोस्तों, और जो ये एलिमेंट रहेंगे इनके आप साइन चेंज कर दो सिंपली। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का एडजोइंट आ गया। ठीक है, बड़ा आसान है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक आ गया 1 -2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, इसका एडजोइंट, ठीक है, इसका आ गया एडजोइंट ए, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हाँ जी, इन दोनों के आपस में क्या लोकेशन चेंज करनी है, ठीक है, और इनके आपस में साइन चेंज करने है। जैसे ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है दोस्तों, ये क्या गया, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×2 होता है तो मैं उसको ट्रिक की हेल्प से इस तरह से उसका एडजॉइंट फाइंड। आइए अब एडजॉइंट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, इफ ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स, ए कोई मेरे पास स्केयर मैट्रिक्स है। स्केयर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है दोस्तों, ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 का मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ रो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, 3×3 है। ठीक है, सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 64। एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या देखिए, 64। फाइंड मुझे करना है ए का डिटरमिनेंट। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम एडजॉइंट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की हेल्प से करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब ये n क्या है, n है जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, जैसे यहाँ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 है, तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला है, इस प्रॉपर्टी में वैल्यू पुट करते हैं सभी। आइए देखते हैं। हाँ जी, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 64। इसकी वैल्यू क्या है, 64। इस सारी की जगह क्या आ गया, 64। ठीक है दोस्तों, और हाँ जी, इस तरफ क्या है, ए डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू क्या है, 3, 3-1। इसको ठीक करके लिख लेते हैं, ए डिटरमिनेंट का स्केयर इज इक्वल क्या आ गया, 64। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ रूट कर लेते हैं तो ए डिटरमिनेंट क्या आ गया, हाँ जी 8×8 64 होता है, प्लस माइनस के 8। ठीक है दोस्तों, तो ए डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, प्लस माइनस के 8, और प्लस माइनस के 8 क्या है, ए, तो मेरा ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए तो आप इसके हेल्प से इस टाइप का क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों, ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 इसका मतलब क्या है, ये क्या, एन की वैल्यू, मैंने आपको बताया था एन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3 आ गई। ठीक है दोस्तों, सच दैट ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या देखिए, मुझे 5, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या देखिए, 5, और मुझे फाइंड आउट करना है इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस चीज़ की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, इसको ठीक करके लिख लेते हैं, इसको अलग लिख लेते हैं, इसको अलग लिख लेते हैं, तो ये हो गया ए डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। ठीक है दोस्तों, अब ए डिटरमिनेंट एज इट इज़, हाँ जी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, ये इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, यानी कि इसकी जगह पे ये रख दिया, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, अब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n-1 है, बेस सेम है, पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, पावर ए जुड़ गई और ये कट गया, तो ए डिटरमिनेंट की पावर क्या आ गई मेरे पास, n आ गई। ठीक है दोस्तों, अब ए डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 है, और n की वैल्यू क्या मेरे पास, 3 है, रख दो, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 3 है, और 5 का क्यूब क्या होता है,
125 और 125 क्या है मेरा सी, तो मेरा सी क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। आइए अब सीखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जिसका ऑर्डर 2x2 है किस तरह से फाइंड किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है 2x2। ठीक है दोस्तों, और इसका फाइंड आउट करना आ जाए आपके पास ए इनवर्स, इसका ये इनवर्स का साइन होता है, इसका मतलब है ए इनवर्स। ठीक है दोस्तों, अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे में ए का डिटर्मिनेंट, ये होता है ए इनवर्स का फार्मूला। ठीक है दोस्तों, यानी कि मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाए जीरो, अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाए जीरो, देन ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। ठीक है दोस्तों, अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, मान लीजिए मैट्रिक्स है इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल के देखूँ वो जीरो आ जाए, तब इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसका ए डिटर्मिनेंट आ जाए नॉन जीरो, तब इसका ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे। हाँ जी, इसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, निकाल के देखते हैं। डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया था इसके साथ मल्टीप्लाई 4 एकम 4 और माइनस के 6, तो क्या आ गया माइनस के 2, इसका डिटर्मिनेंट क्या गया माइनस के 2। ठीक है दोस्तों, और माइनस के 2 क्या है नॉन जीरो है, जीरो तो नहीं है, यानी कि इसका इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अगर जीरो आ जाता तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आइए देखते हैं क्या आएगा। हाँ जी, इनवर्स निकालने के लिए मुझे एक तो एडजॉइंट चाहिए और एक डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट तो मैं निकाल चुका हूँ, अब मुझे क्या चाहिए एडजॉइंट। एडजॉइंट मैंने आपको अभी बताया कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ जी, करना क्या आपको, इनकी लोकेशन चेंज कर दो, 4 यहाँ पे लिख दो, 1 यहाँ पे लिख दो और इनके साइन चेंज कर दो और यहाँ पे माइनस के 3। ठीक है दोस्तों, ये आ गया एडजॉइंट आ गया। अब सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो आप ए इनवर्स। हाँ जी, 1/ में ए डिटरमिनेंट नीचे है ना, तो ए डिटरमिनेंट नीचे लिख लेते हैं ऐसे करके 1/2 माइनस का। ठीक है दोस्तों, और इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 2 - 2 और -3 1, तो ये क्या आ गया मेरे पास, इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपको उसका ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए इनवर्स का फार्मूला ये होता है, सबसे पहले मैं इसका क्या चेक करूँगा, इसका डिटर्मिनेंट चेक करूँगा। इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। हाँ जी, 4 एकम 4 और -4, तो ये क्या आ गया जीरो आ गया। ए डिटर्मिनेंट इसका क्या जीरो, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सिंपली यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2x2, इसका मुझे फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसका क्या फाइंड आउट करूँगा मैं, डिटर्मिनेंट। हाँ जी, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई ए डी और -KBC। ठीक है दोस्तों, ये इसका आ गया ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसका फाइंड आउट क्या करना है मुझे, एडजॉइंट। हाँ जी, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया इन दोनों के आपस में लोकेशन चेंज कर दो, डी यहाँ पे चला गया, ए यहाँ पे चला गया और इनके आपस में साइन, इनके साइन चेंज कर दो, ये आ गया एडजॉइंट। ठीक है, अब फार्मूले वैल्यू पुट कर दो, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास। हाँ जी, 1/ ए डिटर्मिनेंट नीचे है तो ये नीचे आ जाएगा, 1/AD - KBC। ठीक है दोस्तों, D - KB और -KC और A, तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया इसका ए इनवर्स। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 2x2 हो उसका एडजॉइंट और इनवर्स निकाल सकते हैं और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं। एग्जाम में आपसे 3x3 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स पूछ लेने के चांस बहुत ही कम है, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है और क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है। ठीक, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अगर आप 3x3 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट और यूनिवर्स सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दें, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।